गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक प्रोग्राम देखने जा रहे हैं जिसका ऑब्जेक्टिव है पिरामिड को प्रिंट करना। तो आइए पहले इस पिरामिड को समझें। इस पिरामिड में टोटल 5 रोज हैं। आप यहां से काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। आपको पता होगा कि एक नेस्टेड लूप में हम पहला लूप जो चलाते हैं, रन करते हैं, वो रोज के लिए होता है। तो सबसे पहले रोज को काउंट करना इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो हमें इसमें देखना है वो है कि कितना स्पेस इसमें हमने इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहला जो स्टार प्रिंट हो रहा है उससे पहले 4 स्पेस का इस्तेमाल किया गया है। अगले स्टार को प्रिंट करने के लिए 3 स्पेस का इस्तेमाल किया गया है, उसके अगले के लिए 2 और उसके अगले के लिए 1 और आखिरी वाले के लिए कोई भी स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो आप ये ध्यान दे सकते हैं कि इसमें हमने 4 से शुरू किया है और हम 0 तक जा रहे हैं। तो हमें इसे एक लूप अलग से चलाना होगा जो कि इसको एक एक करके घटाता जाएगा और शुरू वो 4 से होगा। एक ऐसा लूप जो 4 से शुरू हो और वो धीरे धीरे हर बार एक एक घटता चला जाए। तो दूसरा लूप हमें चलाना है जो कि पहले लूप के अंदर होगा। तो इसलिए ये प्रॉब्लम नेस्टेड लूप का है। पहला लूप हमने रोज के लिए बनाया, दूसरे लूप में हम लोगों ने स्पेस के लिए कोड लिखा और तीसरा लूप हम लोगों को चलाना है जिसमें कि हम इस स्टार को प्रिंट करेंगे। तो इस चीज को हम लोग ध्यान दें कि पहली बार में 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, दूसरी बार में 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, तीसरी बार में 3, चौथी बार में 4 और पांचवी बार में 5। तो हम 1 से शुरू करके 5 तक जाएंगे और हर बार हम 1 से बढ़ते जा रहे हैं, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। अगली और एक बात को ध्यान देना है हमें, यहाँ पे हर स्टार के बीच में 1 स्पेस का इस्तेमाल किया गया है। तो हमें अपने प्रोग्राम में इस चीज को डालना होगा कि हर स्टार के बाद में 1 स्पेस आता चला जाए। तो स्टार को प्रिंट करने के लिए हमें लूप को 1 से शुरू करना है और 5 तक जाना है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम के लिए हमने 2 हेडर फाइल का इस्तेमाल किया है, आप इनसे परिचित हैं। अगला हम लोगों ने इस प्रोग्राम में, चूंकि 3 लूप की बात की हमने, इस वजह से 3 वेरिएबल्स आई, जे एंड के का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पहला लूप से शुरू करते हैं। पहला लूप जैसा मैंने आपको बताया, इसका इस्तेमाल हम लोग रोज के लिए करते हैं, इनके लिए करते हैं। कुल की संख्या 5 है, इस वजह से हमने आई को 1 से इनिशियलाइज किया है। और हम कहां तक जाएंगे, तो हम ऐसा कंडीशन लिखेंगे जिससे लूप 5 बार रन करे। इसलिए यहां पे कंडीशन लिखा गया है कि आई इज लेस देन इक्वल टू 5। तो 1 से शुरू होकर हम 5 तक जाएंगे और हर बार लूप को हम 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इसलिए यहां पे आई प्लस प्लस लिखा गया है। ये आई प्लस 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 इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो कि आई के वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा। ये प्रिंट एफ स्लैश एन का इस्तेमाल किया गया है यहाँ, ताकि हर रो के बाद में जैसे ही इस रो का काम खत्म हो जाए तो हम अगले लाइन पे चले आए। इसका मतलब है कि हम अगले रो में आ जाए और जो भी पैटर्न हमें डिस्प्ले करना है वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो। तो ये अगले लाइन या अगले रो तक ले जाने के लिए इस कोड को लिखना जरूरी है, नहीं तो आपको ये सारा स्टार्स एक लाइन में ही दिखाई देगा। हम इसको एक बार हटा करके भी रन करके देखेंगे। आइए पहले प्रोग्राम को समझ लें। वो अगला लूप जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमें स्पेस के लिए देना है, यहाँ पे 4 स्पेस है। तो हम यहाँ पे के का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए और हम यहाँ पे के को 4 दे देते हैं। तो के का मान या के का वैल्यू यहाँ पर 4 है। के को हम लोग यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं आई के वैल्यू के साथ। आई का वैल्यू जैसा कि आपको पता है
कि पहली बार में वन होगा तो के चार से लेकर वन तक जाएगा, तो इस वजह से ये लूप चार बार चलेगा और ये चार स्पेस क्रिएट करेगा, एक दो तीन और चार। जैसे के का मान चार है और आई का मान एक है, तो के कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये प्रिंट एफ करेगा, यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट करेगा ये, फिर वापस जाएंगे और ये के मान को घटाएगा, तो अब के घट करके तीन हो जाएगा। फिर से पुनः हम कंडीशन को चेक करेंगे, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो इसलिए हम फिर से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो ये फिर से एक स्पेस क्रिएट करेगा। पुनः हम के मान को घटाएंगे, के का मान घट करके अब दो हो जाएगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि आई का मान वन है, तो फिर से हम एक स्पेस क्रिएट करेंगे, ये तीसरा स्पेस हो जाएगा, फिर के का मान घटेगा और के का मान अब एक हो जाएगा और आई का मान भी एक है इसलिए कंडीशन अभी भी ट्रू है। हम फिर आएंगे, फिर एक स्पेस डिस्प्ले हो जाएगा, अब के का मान घट करके जीरो हो जाएगा और आई का मान चूंकि एक है तो कंडीशन फॉल्स हो गया, तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। अगली बार क्या होगा, जब हम दूसरी बार इसमें जाएंगे ये पैटर्न डिस्प्ले हो जाएगा, जब हम यहाँ होंगे और आई का मान दो हो चुका होगा, तो इस बार लूप चार से शुरू होके दो तक जाएगा, इसका मतलब है चार तीन और दो, तो तीन स्पेस ये क्रिएट करेगा। उसी तरह जब के का मान घट आई का मान बढ़ करके तीन हो जाएगा, तो इस बार लूप आपका चार एवं तीन दो बार ही चलेगा, तो ये दो स्पेस क्रिएट करेगा। जब आई का मान बढ़ करके चार हो जाएगा तो लूप एक ही बार चलेगा और यहाँ पे आपको एक स्पेस देगा, और जब आई का मान बढ़कर पांच हो जाएगा तो उस समय लूप नहीं वर्क करेगा और यहाँ पे कोई भी स्पेस क्रिएट नहीं होगा। आई का मान छह होने के केस में हम लूप से बाहर आ जाएंगे, इसलिए स्पेस को हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये हम स्पेस के लिए इस लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ये स्पेस क्रिएट हो जाएगा तो आप लूप इस लूप से बाहर आ जाते हैं, जब आई का मान एक है तो इसकी वजह से हमें चार स्पेस मिला, और अब हम उस लूप से बाहर आके यहाँ पे पहुंचेंगे। मान लेते हैं हम कि यहाँ पे आई का मान वन है, कंडीशन ट्रू है, तो हम लूप के अंदर आ गए, एक न्यू लाइन क्रिएट हुआ, आप यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पे के का मान चार था हमने देखा था और आई का मान एक है, तो हमने देखा था कि यहाँ पे चार स्पेस क्रिएट होगा। अब हम इस लूप से बाहर आके अब इस लूप तक पहुंचेंगे। इस लूप में जे का मान एक रखा गया है, क्योंकि हमें पहली बार एक ही स्टार प्रिंट करना है, यहाँ पे भी लिंक किया गया है इसके मान को आई के साथ। आई का मान अभी एक है और जे का मान भी एक है, तो ये लूप फिलहाल ट्रू है, तो ये स्टार और स्पेस प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे एक स्टार और एक स्पेस आ जाएगा। अब जे का मान हम बढ़ाएंगे, जे का मान दो हो जाएगा और ये जे दो और आई एक है, तो ये कंडीशन दो ना तो छोटा होता है ना बराबर है, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा और वापस आप इस लूप में चले जाएंगे, तो ये एक स्टार प्रिंट हो गया। अब हम इस लूप में है, आई का मान बढ़ करके दो हो जाएगा, हम कंडीशन को चेक करेंगे, कंडीशन हमारा ट्रू है क्योंकि दो छोटा है पांच से, तो आपका ये प्रिंट एफ स्लैश एन कोड वर्क करेगा और आप यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, आपका कर्सर यहाँ प्लेस हो जाएगा। अब इस लूप स्पेस का लूप वर्क करेगा, स्पेस के लूप में आपको अभी ध्यान होगा कि आई का मान यहाँ पे दो है, तो के का मान चार, और हम कब तक चलेंगे जब तक कि के का मान दो ना, तो चार तीन और दो, ये तीन बार लूप वर्क करेगा जिसकी वजह से ये तीन स्पेस आपको मिल जाएगा। अब आप जैसे ही इसके बाद के का मान घटेगा तो आप लूप से बाहर आएंगे, अब इस लूप में पहुंचेंगे, इस जगह पे अभी आई का मान हमारा दो, तो ये लूप एक से शुरू होगा, अब पहली बार ये स्टार और स्पेस को प्रिंट कर देगा, जब आई का जे का मान एक है और कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू है, तो ये डिस्प्ले हो गया। अब हम वापस इसमें जाएंगे, जे को बढ़ाएंगे, जे का मान अब दो हो जाएगा, अभी भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि दो दो के बराबर है, तो आप फिर से लूप को रन करेंगे और ये फिर से एक स्टार एंड स्पेस डिस्प्ले करेगा।
अब आप फिर जाएंगे, जे का मान को बढ़ाएंगे, जे का मान 3 हो गया तो कंडीशन फॉल्स है, तो आप लूप से बाहर चले जाएंगे, आप वापस यहाँ पहुंचेंगे। इसी तरह से जब जे का आई का मान पुनः बढ़ के 3 हो जाएगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर से स्लैश एन वर्क करेगा, आप पुनः नई न्यू लाइन में आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे कंडीशन ट्रू है कि नहीं, आई का मान 3 हो चुका है और के का मान 4 है, तो कंडीशन ट्रू है, ये लूप 2 बार चलेगा, 4 एवं 3, ये 2 स्पेस क्रिएट करेगा। अब आप यहाँ आ जाएंगे, आप फिर से चेक करेंगे, इस बार आई का मान, आई का मान 3 हो चुका है, तो इस वजह से ये कंडीशन अभी ट्रू है और ये 3 बार 1, 2 और 3 तीन बार लूप चलेगा, तो 3 बार स्टार एंड स्पेस स्टार स्पेस स्टार स्पेस स्टार स्पेस आपको प्रिंट करेगा, उसके बाद आप लूप से बाहर आ जाएंगे। इस तरह से ये 5 बार पैटर्न को डिस्प्ले करेगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। आइए इस प्रोग्राम को रन करें और इसका आउटपुट चेक करते हैं। ये देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर ही हमें चाहिए था, ये हम लोगों को आउटपुट में मिल रहा है। आइए, जो हम लोगों ने बात किया था कि हम स्लैश एन को हटा के देखेंगे कि क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से क्या होगा कि ये सारे स्टार्स एक लाइन में ही आ जाएंगे, तो कुल कितने 5, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 15 स्टार आपको एक लाइन में दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से आपको स्टार्स मिलता जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 स्टार्स आपको मिल रहा है, इसलिए स्लैश एन को डालना आवश्यक है। धन्यवाद।